प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर वैश्विक युद्ध की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ 3 घंटे की गंभीर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसे यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और शांति के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की और पुतिन को भी तुरंत बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, क्योंकि समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में शांति की उम्मीद जताते हुए भरोसा दिलाया है कि भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि भारत अपने प्रभाव का उपयोग करके युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकता है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस यात्रा को सकारात्मक कदम मानते हुए शांति की आशा जताई है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्र यूक्रेन की स्थापना के बाद से देश का दौरा किया है। इसके पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं आया था। अब देखना यह है कि महत्वपूर्ण होगा कि क्या इसका दखल के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में कोई ठोस समाधान निकालता है या फिर हर संघर्ष पहले की तरह जारी रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर भी एक संदर्भ के रूप में सामने आता है, जिसे रूस और अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष युद्ध के लिए ही कई देशों में भुगता। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का उद्देश्य इस प्रकार के वैश्विक संघर्ष को टालना और शांति कायम रखना है। यूक्रेन युद्ध ने अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है और बड़ी मात्रा में संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के अनुसार 15 मिलियन से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं और युद्ध के यूक्रेन की 37% आबादी के घरों को तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है और अगर व्यक्तिगत रूप से भी कोई योगदान संभव है तो वह इसे देने के लिए तैयार है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा वैश्विक शांति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखी जा रही है।